Sometimes किसी की मदद ना करके हम उसकी बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। और आज जिस एनिमे की मैं बात करने वाला हूँ वो बहुत अच्छी तरह से इस फैक्ट को एक्सप्लेन करता है। रीमेक आवर लाइफ, जो कि एडेप्ट हुआ एक लाइट नोवेल से और जिसे एनिमेट किया है स्टूडियो फील ने, जिसने कि इन पास वेल नोन टाइटल ओरेगायरू को भी एनिमेट किया है, जिसकी मैं कितनी भी तारीफ कर लूँ वो कम है। अब इससे पहले कि मैं बात करने लगूं इसकी स्टोरी में है क्या, प्लीज इसकी स्टोरी को द पेट गर्ल ऑफ साकुरासो रियल लाइफ और हाँ स्टाइंस गेट से भी कंपेयर मत करो, क्योंकि हाँ चाहे थोड़ी सी सेटिंग्स और कंसेप्ट सेम है, इसका मतलब ये थोड़ी है यार कि पूरा का पूरा एनिमे बिल्कुल ही सेम है। इसलिए प्लीज जस्ट डोंट कंपेयर इट विद दीज एनिमेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लॉट। हमारा मेन कैरेक्टर 28 इयर्स का हाशिबा क्योया, जिसकी जिंदगी अब कुछ उथल पुथल सी चल रही है क्योंकि उसने अपनी नॉर्मल ऑफिस जॉब को छोड़कर अपने ड्रीम जो कि है एक वीडियो गेम इंडस्ट्री में एक करियर बनाना उसको परस्यू किया, क्योंकि वो एक हार्डकोर एनिमे गेम्स एंड लाइट नोवेल फैन है। और अब क्योंकि हाशिबा क्योया सेल्फ टॉट है और उसके पास कोई भी प्रॉपर डिग्री नहीं है गेम डेवलपमेंट, जिसकी वजह से हाशिबा बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है गेमिंग इंडस्ट्री में। और जब उसे फाइनली एक बड़ी कंपनी में जॉब मिलती है पर वहां से भी उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो टर्मिनेट हो जाता है। अब हाशिबा क्योया अनएम्प्लॉयड है और अब हर एक बंदे की तरह जो अबव 25 है और अनएम्प्लॉयड है सबकी तरह वो सोच रहा है आई एम अ फेलियर। और अब इस फेलियर के समुंदर में डूबते हुए हाशिबा क्योया रिग्रेट करता है कि कैसे उसने 10 साल पहले जब उसे चूज करना था एक आर्ट्स के कॉलेज में और एक इकोनॉमिक्स वाले कॉलेज में, तब उसने सोचा कि लाइफ इजी रखने के लिए मैं एक इकोनॉमिक्स वाला कॉलेज ले लेता हूँ, और उसने एक इजी वे लिया इकोनॉमिक्स वाला कॉलेज एंड उसने अपने ड्रीम वहाँ छोड़ दिया। एंड नाउ ही रिग्रेटेड, बट लाइफ गिव्स हिम अ सेकंड चांस, या फिर कहूँ एक लोली उसे नया चांस देती है। बट एनीवे, जब हमारा मेन कैरेक्टर सो के उठता है जहाँ पर उसी दिन अपने आप को पाता है जिस दिन उसे चूज करना है कि आखिर वो कौन से कॉलेज जाए, और क्योंकि अब वो ऑलरेडी रिग्रेट कर रहा था तो उसने आर्ट्स कॉलेज चूज किया। बट क्या इस बार मेन कैरेक्टर के कोई रिग्रेट नहीं होंगे? क्या इस बार जो 10 साल वो जीने वाला है क्या कोई भी रिग्रेट्स नहीं होंगे सच में? क्या वो सक्सेसफुल बन पाएगा? जानने के लिए देखिए रीमेक आवर लाइफ। चलो अब इसके ओपनिंग और एंडिंग थीम सॉन्ग्स के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल बहुत कमाल के हैं। ओपनिंग सॉन्ग बिल्कुल एकदम से खींच लेता है एपिसोड में, और एंडिंग सॉन्ग तो यार जब भी प्ले होता है ना लगता है कि हाँ अब कुछ स्पेशल होने वाला है, अब तो कुछ स्पेशल होके ही रहेगा, ऐसी फीलिंग देता है। अगर तुम्हें इंस्पिरेशनल एनीमे पसंद है देन इट इज अ मस्ट वॉच। चलो अब कैरेक्टर्स की बात करते हैं, पर पहले इस चीज का जवाब दो, अगर तुम्हारे जिंदगी के जो चुतियापे हैं मतलब प्रॉब्लम्स अगर वो कोई और बंदा आके ठीक करने लग जाए तो क्या तुम उसे ठीक करने दोगे? चलो पहली बार ठीक है उसने तुम्हारी मदद कर दी, ओके सेकेंड टाइम भी ठीक है, बट थर्ड टाइम इस बार तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप पे भी गिर सकता है, क्योंकि वो चुतिया पे तुम्हारे हैं, तुम्हें वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, पर कोई और बंदा आके तुम्हारे लिए कर रहा है उससे तुम्हारा अपने आप पे विश्वास टूटता है और तुम उस व्यक्ति पर इतना डिपेंडेंट हो जाते हो कि तुम्हें खुद भी शर्म आती है। और अब ये जो व्यक्ति है जिस पे लोग डिपेंडेंट हो रहे हैं और कोई नहीं हमारा हाशिबा क्योया ही है। और जानने के लिए एनीमे देखो। बाकी कैरेक्टर्स की बात करते हैं, इस एनीमे का जोनरा हैरेम नहीं है बट एनिमे की दुनिया कह रही है भाई कि जो भी लड़की एग्जिस्ट करती है ना इस दुनिया में वो हमारे एमसी की है। एमसी की साला दूसरा साइड कैरेक्टर कैसे ले जाएगा? बट लेटर इट सेटल डाउन्स टू वन जो कि इसे सच में हैरम से दूर कर देता है। ओवरऑल बाकी सब कैरेक्टर्स के ड्रीम्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है और बताया गया है आखिर वो इस ड्रीम को लेके इतना सीरियस क्यों है। और हाँ इस एनिमे बहुत अच्छे फैन सर्विस के सीन्स हैं। तो तुम इसकी सीरियसनेस से तो इतना बोर नहीं होने वाले हो। लास्टली जो इसके अंदर डायलॉग है ना दूसरे कैरेक्टर्स के थ्रू वो मतलब मजबूर करते हैं कि यार एक बार अपनी लाइफ में सोचा नहीं हमने ये कभी भी। ये एनीमे एनीवन पे अवेलेबल है तो इसे देखने के लिए तुम्हें डाकू या फिर पायरेट बनने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर ये एनीमे तुम देख चुके हो और ऐसे ही एनीमे देखना चाहते हो तो तुम देख सकते हो द पेट गर्ल ऑफ साकुरासो रियल लाइफ, शिरोबाको द कवाई कॉम्प्लेक्स गाइड टू मेनोस एंड हॉस्टल बिहेवियर और न्यू गेम। और अब बात करते हैं क्या इस एनीमे का सीजन 2 आएगा। सो इस एनीमे का सोर्स मटेरियल एक लाइट नोवेल है जिसकी अभी तक 9 वॉल्यूम्स आ चुकी हैं, जिसमें से 5 वॉल्यूम एडप्ट हो चुके हैं सीजन 1 में। सो हम देख सकते हैं मटेरियल तो है,
बट अभी तक सीजन 2 से रिलेटेड कोई भी न्यूज नहीं आई। और थोड़ी सी बैड न्यूज भी है क्योंकि जापान में रीमेक अवर लाइफ को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला है। बहुत सारे लोग जापान में कह रहे हैं कि एमसी बहुत बड़ा लूजर है, एमसी ने कैसे 28 इयर्स पे ही हार मान ली एंड मैनी मोर। सो तुम समझ सकते हो अगर वो जापान में पॉपुलर नहीं है सो देर इज वेरी लेस चांसेस ऑफ इट गेटिंग अ न्यू सीजन। बट आई थिंक ओवरसी फैन बेस को देखते हुए शायद वो रिन्यू कर भी दे सीजन को। हम सिर्फ अभी वेट ही कर सकते हैं। हम क्यों, तुम वेट करोगे? मैं क्यों वेट करूंगा, मैं तो लाइट नोवेल पढ़ लूंगा ना, आई एम स्मार्ट। वैसे अगर तुम भी इंटरेस्टेड हो इसकी लाइट नोवेल रीड करने में तो सिर्फ तुम्हें गूगल पर जाके लिखना है रीमेक अवर लाइफ लाइट नोवेल रीड ऑनलाइन और उसके बाद तुम इसे रीड कर सकते हो वहां जाकर। आज के रिव्यू के लिए इतना ही। क्या ऑर्गेनाइजेशन ने हमला कर दिया है? नहीं, पर अब कैसे? अच्छा दोस्तों, अब तुम ही बचा सकते हो इस सबसे, तुम इस दुनिया को बचा सकते हो। बस तुम्हें नीचे जो रेड बटन है उस पर क्लिक करना है। Just click it and save the world. You can do it.